नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। एल्विस यादव आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। बीते कई दिनों से वो मुनव्वर को गले लगाने की वजह से खबरों में बने हुए हैं। जब से एल्विस यादव ने मुनव्वर को गले लगाया है, तभी से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले क्रिकेट लीग के दौरान एक दूसरे को गले लगाते दोनों दिखाई दिए थे, जिसके बाद से ही एल्विस के फैंस उनके हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विस यादव ने इसे लेकर अपनी सफाई पेश की है। साथ ही उन्होंने हिंदू होने पर सबूत ना देने की बात भी कही है। एल्विस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दो पोस्ट शेयर की हैं। यूट्यूबर एल्विस ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, ये ट्वीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी आखिरी वीडियो नहीं देखी और अभी भी लगता है कि मैंने मुनव्वर को गले लगाया, बल्कि साफ पता लग रहा है कि, और मैं बता भी चुका हूँ, मैंने उसको आउट करने पर चिढ़ाने के लिए बोला आगे मजे, और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे उसके पीछे का कारण। वहीं एल्विस यादव ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे हिंदू होने के सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो मैंने हिंदुत्व की आवाज उठाने को आज तक क्या किया क्या नहीं। फिर भी अगर नहीं समझते हैं तो मुझे दिल से खेद है, कृपया किसी के कहने से भ्रमित ना हो, धन्यवाद। तो देखा आपने, एल्विस यादव ने मुनव्वर को लेकर अपनी सफाई दे दी है और इसी के साथ उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दे दिया है जो ये सोच रहे थे कि एल्विस यादव ने मुनव्वर से दोस्ती कर ली है। बता दें कि एल्विस और मुनव्वर के बीच कोई खास दोस्ती नहीं है। जब मुनव्वर बिग बॉस के घर में आए थे, तब एल्विस ने अनुराग डोभाल को सपोर्ट किया था, वही अनुराग डोभाल जिनकी बिग बॉस के घर में मुनव्वर से काफी फाइट होती थी। बता दें कि मुनव्वर ने कुछ सालों पहले स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान भगवान राम और माता सीता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही हिंदू धर्म के लोग मुनव्वर के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते ही रहते हैं। वहीं हाल ही में जब एल्विस यादव ने मुनव्वर को गले लगाया तो फैंस को ये रास नहीं आया और लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। हालांकि अब एल्विस यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बताते चले कि पिछले साल एल्विस यादव बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 में दिखाई दिए थे। इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था। इतना ही नहीं, एल्विस ने सीजन का खिताब भी अपने नाम किया था। हालांकि बीते कई दिनों से यूट्यूबर विवादों में फंस रहे हैं। कभी उनका नाम रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने को लेकर आ रहा है, भी उनके मारपीट करने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। एल्विस यादव से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।